हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका GTA 5 ग्रैंड आरपी के एक और नए एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में भाई हम अपनी ड्रीम कार लेम्बोर्गिनी उरुस और एक दो और गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेने गए थे, क्योंकि आपको पता ही होगा ये पूरी सीरीज चल रही है, हमें $10 मिलियन के अंदर अंदर एक नई गाड़ी खरीदनी है जो SUV हो, पावरफुल हो, भागने में मज़ा आए और रो परफॉर्मेंस में वो 270-280 की स्पीड टच करी दे। तो दो चार गाड़ियाँ हमने टेस्ट करी थी, बट काफ़ी लोग ना उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि आप ना सेकेंड हैंड मार्केट में ट्राई करो, वहाँ पे ना काफ़ी लोग अपनी मॉडिफाइड गाड़ियाँ बेचते हैं जो एक्चुअल में भाई 300, 310, 320 की स्पीड तक भी भाग सकती है। तो हो सकता है वहाँ पर अपने को कोई अच्छी अच्छी गाड़ियाँ और मिल जाए। मैंने कहा ठीक है भाई, यार सही बात कह रहे हो ये। दूसरा ना, आप ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में टॉप में देख रहे होंगे एक चैट चल रही है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग ना अपनी गाड़ियाँ बेचते रहते हैं। तो मैं यहाँ भी आज देखता रहूँगा, अगर कोई अच्छा ऑफर मिल रहा होगा तो मैं यहाँ से भी किसी से अपना नेगोशिएट करके गाड़ी खरीद लूँगा। बट फिलहाल अभी देखते हैं सेकेंड हैंड मार्केट में क्या क्या ऑप्शन है। हो सकता है जी वैगन मिल जाए तगड़ी सी, मन तो है मेरा बहुत लेने का, देख लेंगे बाकी। और साथ ही मेरा ना लेवल 5 हो गया, तो भैया गन लाइसेंस ले लिया जाए ज़रा, क्योंकि मैंने वैसे तो ना लास्ट एपिसोड में एक गन खरीद ली थी ब्लैक मार्केट से, बट वो मैं लीगली यूज़ नहीं कर सकता हूँ। बस किसी को डराना हो तब मैं यूज़ कर सकता था कि कोई मुझे जैसे लूटने की कोशिश कर रहा है। ओ भाई सही गाड़ी बच गई भाई, ज़्यादा खरोच नहीं आई। चलो अपने पास रिपेयरिंग किट है, रिपेयर कर लेते हैं, हो गई। चलो हाँ, मैं कह रहा था कि मैंने वो गन ली थी कि कोई हाईवे वे पे मुझे लूटने की कोशिश करे तो उसको मैं दिखा के डरा सकूं। बट अब मैं अगर एक बार ऑफिशियल भाई लाइसेंस ले लूँगा ना गन का, तो उसके बाद मैं फिर कोई भी गन जो है वो स्टोर से जाके खरीद सकता हूँ, रॉकेट लॉन्चर तक खरीद सकता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। लेवल 5 भी मैं पहुँच ही चुका हूँ, दिखा भी देता हूँ, एम दबाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 लेवल दिखा रहा है। गन लाइसेंस के लिए ना एक तो लेवल 5 ज़रूरी है जैसे कि मैंने बताया आपको। अरे यार फिर मैं गलत जगह आ गया। और मेरे ख्याल से ना कोई भी फेस पे टैटू नहीं होना चाहिए, और मैंने टैटू बनवा रखा है, तो वहाँ पर जाके एक बार ऑफिसर से बात करेंगे, अपनी गन वन सब कुछ रख के जानी पड़ेगी, वरना धर लेंगे वो मुझे कि इलीगल कैसे भैया रख रखी है। जो लोकेशन है गन लाइसेंस के लिए वो ये है, अपना USA का झंडा बना हुआ ना यहाँ पर। अच्छा, गेम प्ले में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मेरे साथ GTA 5 ग्रैंड आरपी खेलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक पर क्लिक करना है, फिर आप उसके बाद ग्रैंड आरपी की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर करना है क्लिक। अभी ये पूछ रहा है डू यू हैव अ लाइसेंस GTA 5, तो जी हाँ, आपको एक ओरिजिनल GTA 5 की इसके लिए जरूरत पड़ेगी, और साथ ही में इंटरनेट कनेक्शन की भी, क्योंकि ये ऑनलाइन होने वाला है पूरा। उसके बाद आपको कर देना यस। अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना आपको सर्वर चूज करना है, मैं जो है वो भाई सर्वर 2 में खेलता हूँ, आपको भी इसी में खेलना अगर मेरे साथ ज्वाइन करना है तो, और बेस्ट है यार ये सर्वर इंडिया के लिए अपने। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है एंड रजिस्ट्रेशन वाले बटन को दबाना है। ये सब फिल करके आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, जिससे आप लॉन्चर को डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर लिखा हुआ मिल जाएगा ग्रैंड आरपी लॉन्चर, इस पर आपको करना है क्लिक। फिर इस तरह से खुल जाएगा, यहाँ पे पूछेगा आपसे सर्वर 1 सर्वर 2, हमें सर्वर 2 पे खेलना है, सिंपली यहाँ पे कर देना भैया प्ले पर क्लिक। भाई इतना सही प्रोसेस था GTA 5 ग्रैंड आरपी में रजिस्ट्रेशन करने का, फटाफट से गेम को एंजॉय करते हैं। और फीस वगैरह कितनी है लाइसेंस की वो उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वो भी मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। बाकी टैटू वाली चीज़ अगर हुई तो मुझे फिर पार्लर जाना पड़ेगा टैटू रिमूव करने के लिए, बहुत लफड़िया जानता हूँ। बट कोई नहीं, एक बार लाइसेंस मिल गया फिर तो बल्ले ही बल्ले भैया, धड़ देंगे गोलियों से। तो ये बिल्डिंग आ गई है शायद से, यहीं कहीं थी राइट मुड़ते ही। अपनी गाड़ी यहाँ लगा देते हैं कहीं पर पार्किंग में, ताकि टो ना हो जाए भाई। चलो जी, ओ ओ ओ, ओ भूल गया, गन भी रखनी है सर। ट्रंक खोलते हैं और अपनी जो गन है साथ में एमओ जो है वो रख देते हैं। चलो जी बंद कर दिया, अब चलते हैं अंदर। हमारे पास गन वन नहीं है तो कोई लफड़ा नहीं होगा। ऑफिसर यहीं कहीं मिलने चाहिए, उन्हीं से पूछ लेंगे। अच्छा, अंदर चेकिंग वैकिंग होगी भाई पूरी। हेलो ऑफिसर, हाउ आर यू? ओके, हाउ अबाउट यू? आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर लाइसेंस, गन लाइसेंस। क्या बोल रहा है भाई ये? खुद ही मुझे शक्ल से इतना खतरनाक लग रहा है भाई, सब बड़े बड़े बाल देख रहा हूँ। एक एक करके करेगा, मेरे को साइड खड़ा रहना पड़ेगा भाई। देखो ये मेरे फेस पे जो टैटू है ना, इससे दिक्कत आ सकती है शायद गन लाइसेंस में। अरे भाई मुझे भी बुला ले, लेट हो रहा है। हाय, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ गन लाइसेंस। Alright, can I see your passport? तो इसको पासपोर्ट दिखाते हैं भाई डॉक्यूमेंट में जाके। लो जी पासपोर्ट देख लो। Alright, can I see your license? अब इनको डॉक्यूमेंट में लाइसेंस दिखाना है। So you need medical insurance and then I can sell you your gun license. Oh, okay. From where can I get medical insurance? The hospital. Oh, okay. Thank you. And then whenever you come back, I just gotta search you and then I'll sell it to you, okay? Yeah, sure. Thank you. Yep, no problem. तो भाई इसके लिए, गन लाइसेंस के लिए हमें पहले मेडिकल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा अपना, क्योंकि ऑब्वियसली गन वन लेके घूमेंगे तो कोई भी हमें भी ठोक सकता है ना, उसके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए प्रॉपर। तो हॉस्पिटल चलते हैं और वहाँ से इंश्योरेंस लेके फिर वापस आएंगे। बाकी इन्होंने कहा है कि उसके बाद ये मुझे सर्च करेंगे,
फिर लाइसेंस देंगे, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे को ये टैटू हटवाना पड़ेगा या नहीं। और कोई नहीं, चलो पहले हॉस्पिटल की मार्किंग लगाते हैं। ये दिल का आइकन जो बना हुआ है इस पे जाना है हमें। हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर मिलेंगे, मेरे ख्याल से वही इंश्योरेंस देंगे हमें। तो ये हम ना हॉस्पिटल के आसपास का जितना एरिया ग्रीन एरिया है, ग्रीन जोन है, तो यहाँ पे हम गन वन नहीं निकाल सकते, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते किसी से। यहीं गाड़ी लगा देता हूँ और हॉस्पिटल में अंदर जाके फटाफट मेडिकल इंश्योरेंस पूछता हूँ कौन देगा अपने को। लेट्स गो भाई। अरे यहाँ तो कोई खड़ा ही नहीं, घेरी घेरी है शायद। हेलो, आई वांट मेडिकल इंश्योरेंस फॉर गन लाइसेंस। ओके वेट, एक्सेप्ट प्लीज। एक्सेप्ट कर लिया, इंश्योरेंस दे रहा भाई 1500 का ये। वंस अगेन प्लीज, लो जी ले लिया, थैंक यू सो मच। कैन यू ब्रो, कैन यू टेल मी द एक्सपायरी डेट फॉर दिस मेडिकल इंश्योरेंस? 7 डेज। ओके ओके, थैंक यू। तो भाई $1500 में हमें 7 दिन का मेडिकल इंश्योरेंस मिला है। चलो मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, अब पैड पैड वापस चलते हैं और गन लाइसेंस लेते हैं। अबे भाई साहब, कहाँ बैठ गए? बड़े बेशरम है, किसी की भी गाड़ी में बैठ जाओगे? इसको बाहर फेंकू भाई, निकल चल, मेरी गाड़ी में कैसे बैठ गया बे? हैं बदतमी छोकरू हूँ, फ्री की है, पेट्रोल इतना भर रहा हूँ मैं, तेरे लिए भर रहा हूँ। तो भाई पहुँच गया वापस से गवर्नमेंट ऑफिस में, यहाँ लगाते अपनी गड्डी को। ओ भाई साहब क्या मस्त लग रही है दोनों गाड़ियाँ, देखना। चलो जी चलो, पहले देख लूँ मेरे पास कुछ है तो नहीं, उल्टा सीधा। लेट्स गो लेट्स गो। अब वो चेकिंग करेंगे ऑफिसर हमारी, फिर उसके बाद जो है गन लाइसेंस होपफुली मिल जाना चाहिए। अब वो स्टिकर का इशू आया तो पता है। हाय, आई वांट टू अप्लाई फॉर गन लाइसेंस। कैन यू मूव बैक अ लिटिल बिट? या श्योर। शो मी योर पासपोर्ट वन लास्ट टाइम एंड देन आई एम गोना सर्च यू एंड देन आई विल सेल यू योर गन लाइसेंस। यू शो मी योर लाइसेंस। पहले तो भैया इसको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, फिर से लाइसेंस भी दिखाओ भाई। आई जस्ट गॉट अ सर्च यू, इज दैट ओके विद यू? या श्योर। अब सर्च करेंगे भाई साहब, हमें पूछ रहे हैं भाई साहब, चलो ये तो अच्छी बात है। All right, I'm gonna be selling you your gun license now. Yeah, thank you so much. हो गया भाई, अप्रूवल मिल गया, गन लाइसेंस, यस, $15,000। ओके जी, यस कर लिया। Okay, you have a great day today. Yeah, can you tell me the validity of this license? If you flex your eye muscle and look, it'll tell you. Sorry? Flex your eye muscle and put your eye over it, you'll see how long it lasts. Okay, thank you. देख लेते हैं भाई, बताओ, बता नहीं रहा, कह रहा खुद देख लो, ज़्यादा यकड़ नहीं आ गई ऑफिसर में? ये है 30 दिन का है भाई, सही है, और मेडिकल इंश्योरेंस है 7 दिन का। बहुत महंगा भाई, 15,000 रुपये का 30 दिन का गन लाइसेंस मिला है। बट चलो अब ये है कि हम ऑफिशियली गन जो है वो कैरी कर सकते हैं। पहले तो अपनी गाड़ी में से ही गन निकाल लूँ। ये रही जी, ये रही, हाय, पर ग्रीन जोन है भाई, वापस रखनी है। चलो जी चलो, यहाँ से चलते हैं। अब हमें जाना है सेकेंड हैंड मार्केट में। तो ये दो लगे हुए हैं, एक ये वाला ऑटो फेयर और एक ये है, तो पहले इस पे चलते हैं, ये बड़े वाला है शायद। अब वहाँ पे जाके देखते हैं भाई क्या क्या गाड़ियों का ऑप्शन है अपने पास में। यहाँ पे जाने का दिखा रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद चलेंगे गाड़ी लेने, क्योंकि मैंने लाइसेंस लिया ना उसके बाद ये मेरे को नोटिफिकेशन आ रही है। लेट्स सी क्या है वहाँ पे जाके, हो सकता है कोई मिशन हो भाई अपने लिए अच्छा खासा पैसा कमाने का, क्योंकि अब मैंने गन लाइसेंस ले लिया ना, तो हो सकता है अपने को कोई सुपारी मिल जाए। तो ऐसे काम हम करेंगे भाई, और अपना थोड़ा ना खौफ बढ़ाएंगे सिटी में, ताकि हमारे नाम से ही लोग भी पथरून गीली हो जाए करें। यहीं कहीं पे ही है वो होटल पे। अरे 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 भाई, नई गाड़ी ठोक दी मेरी। यहाँ देखते हैं कौन बुला रहा है भाई हमें, अंदर बोल रहे हैं भाई। चलो अंदर चलते हैं, अंदर तो कोई भी ना, इससे पूछते हैं। अंदर तो कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों लेकर आए यहाँ पे हमें। चलो फालतू में इतनी दूर आया, बताओ हद है। अब बिना टाइम वेस्ट करे भाई सीधा चलते हैं यहाँ पर। उस सेकेंड हैंड मार्केट में ना भाई कभी कभी बहुत अच्छी डील मिल जाती है गाड़ियों की। वो ये बंदा BMW M5 बेच रहा है, E34 वाली फुल कॉन्फ़िगरेशन, $3,25,000 की। एक बंदा मर्सिडीज बेच रहा है AMG C63, जो मैं चला रहा हूँ, इंडियन बैक लगर वाली, $3.5 million की। भाई खतरनाक, बहुत चीजें करवा रखी है, टर्बो किट वगैरह, देखो क्या क्या लिखा हुआ है ना। शहर में एक से एक बंदे है भाई जो मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी रखने का शौक रखते हैं, और इसलिए हमें ये जो ऑटो फेयर है ना अपना सेकेंड हैंड मार्केट वाला, यहाँ पे तगड़ी तगड़ी गाड़ियों के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब उसमें से देखते हैं आज हमारी किस्मत में कौन सा लिखा होगा। अपनी गाड़ी लगाते हैं यहाँ पर, एक एक करके देखते हैं। ये कुछ खास नहीं है भाई साहब, क्या बना रखा है खतरनाक। ओ ये कौन सी गाड़ी है भैया? रोल्स रॉयस मिल रही है, क्या कहते हो, ले ली जाए? देखे क्या है, देखते हैं जरा क्या है। ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन, $72,00,000 की, यानी $7.2 million की ये मिल रही है। कंडीशन अच्छी है, 100% बढ़िया, नंबर भी 0001 है, और मॉडिफिकेशन कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है, रोल्स रॉयस कलिनियन। सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई हो, ऊपर नीचे हो जाता है। ये देखो भाई क्या खतरनाक गाड़ी है, यहाँ तो कुछ नहीं है ढंग का, आगे चलते हैं थोड़ा। वो बाइक भी मिल रही है यहाँ तो, मर्सिडीज है, मर्सिडीज ज्यादा खड़ी है यार यहाँ पर। ओ ये भी बड़ा क्रेजी ट्रक की मॉडिफिकेशन हो रखी है, देखो, पर ये नहीं लेना। ये देखो कितनी कूल सी कार है, और नहीं है भैया यहाँ पे कोई ढंग की गाड़ी, वही थी एक जो है रोल्स रॉयस की BMW खड़ी है। चलो यहाँ से चले दूसरे वाले, देखते हैं सेकेंड हैंड मार्केट में कोई ढंग का मिल जाए तो, वरना ये रोल्स रॉयस
थोड़ा प्लान बना सकते हैं। दूसरे वाला दूर नहीं है, ये रहा पास ही है। और पेट्रोल भी खत्म हो गया, फिर से भरवाना पड़ेगा यार। बहुत पेट्रोल पीती है इंडियन बैग वगैरह की गाड़ी। आसपास पेट्रोल पंप तो है बट वो खाली पड़ा है, रेड में दिखा रहे हैं, तो ग्रीन वाला ढूंढना पड़ेगा। पहले चलते हैं गाड़ी देख लेते हैं कि अब तो कोई मिल जाए तो वही खरीद के। ये क्या दूँ इंडियन बैग वगैरह को भैया, टो करवा ले, मेरे बस की नहीं लाना। ये आ गई है भैया दूसरी वाली सेकेंड हैंड मार्केट। बस 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 यहीं से अंदर चलते हैं, लेट्स गो। देखे भाई यहाँ पे क्या है। ये वाले यार हर जगह खड़ी है, वहाँ भी खड़ी थी, यहाँ भी। कुछ नहीं है कुछ नहीं है। ऑडी खड़ी है, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। बाइक ले लूँ क्या? बाइक है नहीं अपने पास एक भी, बट अभी जरूरत भी नहीं है। चलो गाड़ी देखते हैं कुछ। ये कौन सी बाइक है? डबल टी भाई साहब, खतरनाक गाड़ी। $5,00,000 हट काहे खर्चू भैया, मैं $5,00,000 एक बाइक पे गाड़ी लूंगा मैं। ये देखो जी मर्सिडीज की मेबैक कितने की दे रहा है, $2.3 million की। इंजन स्टेट अच्छा है और बिल्कुल वही है, बेसिक है, मतलब कोई मॉडिफिकेशन नहीं। बट भाई साहब अंदर से देख रहे हो, गजब यार। लग्जरी तो है मर्सिडीज में नो डाउट, बट अपन को तो पावर चाहिए, लग्जरी से कोई मतलब नहीं है। तो आज भाई कोई ढंग का कलेक्शन है नहीं, छोड़ो चलते हैं अब यहाँ से भी। चलो जी चलो, हो गए रिपेयर। पेट्रोल पंप ये वाला है, इसमें है पेट्रोल, ग्रीन है ना। फुल स्पीड में चलते हैं वरना बंद होने ही वाली है। वैसे तो सामने ही था पेट्रोल पंप पर वो खाली पड़ा हुआ है, उनका पेट्रोल कोई चूस के ले गया सारा। अरे 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 अरे, खत्म होने वाले है भाई, खत्म होने वाला है, बंद हो गया। नहीं नहीं अभी है, थोड़ी सी जान है। चल 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 जा, चल जा प्लीज, चल जा प्लीज, चल जा। पहुंच गए, बस 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 बस, पहुंच गए भाई, पहुंच गए, पहुंच गए। यस देख रहे हो भाई, मीटर बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है। चलो जी अब इसको फुल करवा लेते हैं मैक्स। चलो जी अब कोई परेशानी नहीं होगी, मस्त कहीं भी शहर में घूमेंगे। अब गाड़ी कौन सी लूँ ये नहीं समझ आ रहा भाई। एक काम करता हूँ, शॉप पे देखता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी मिल रही है। लैम्बोर्गिनी है, डॉज चार्जर है, मर्सिडीज बेंज है, BMW M8 है। ये सारी की सारी सुपर कार जी क्यों है? मेरे को चाहिए वो अपना SUV, लैम्बोर्गिनी हुरकन है, मैक्लेरन है ही नहीं बताओ। मुझे लग रहा है देखते रहना पड़ेगा, कोई बंदा ही अपनी सेल कर रहा हूँ ना उसी हिसाब से, वरना लैम्बोर्गिनी उरुस तो अपने प्लान में है ही। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना भाई। बाकी ग्रैंड आरपी का सर्वर का जो लिंक है नीचे दे रखा है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके रजिस्टर करके गेम खेल सकते हो। और साथ ही साथ में भाई जैसे ही आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे, कुछ दिन बाद मैं अपनी फैमिली लॉन्च कर दूंगा, डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च कर दूंगा, और हम मिलके भाई एक साथ वॉइस चैट करेंगे गेम में, और तबाही मचाएंगे एक ही फैमिली में, गैंग में। ऐसे बिजनेस चलाएंगे, मेरी गाड़ी आप चलाना, आपकी गाड़ी मैं चलाऊंगा, बड़ा सा $1 million का हाउस लेंगे भाई। तो बहुत मज़ा आने वाला है, फैमिली लॉन्च होने वाली है, इसलिए अभी खेलना शुरू कर दो जल्दी से, ताकि कुछ दिनों में आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, फिर हमारी फैमिली ज्वाइन करके तबाही साथ में मचा पाएंगे। हे गाड़ी ठोक दी। बाकी जी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना भी।